नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। बात करते हैं काशीपुर की, जहां किसानों के धान खरीदने को राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल बंद करने तथा धान खरीद सेंटरों पर खरीदे गए किसानों के धान का भुगतान न होने पर गुस्साए कांग्रेसियों ने काशीपुर सोसाइटी में जमकर धरना प्रदर्शन किया तथा भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। काशीपुर से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद। किसानों की पेमेंट तुरंत कराओ, तुरंत आज कराओ, अभी कराओ, किसानों की पेमेंट तुरंत कराओ, तुरंत कराओ, तुरंत कराओ, आज कराओ, अभी कराओ, अभी कराओ, तुरंत किसानों की पेमेंट तुरंत कराओ, तुरंत कराओ, तुरंत कराओ, आज कराओ, अभी कराओ, तुरंत कराओ, तुरंत कराओ। आवाज में मजा नहीं आ रहा। मांग ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस सोसाइटी में एक पोर्टल खुलवाया था कि किसान ये वहाँ अपना धान तुलवा के आए राइस मिल में, यहाँ पर अपने पोर्टल में अपना नाम चढ़वा लें। अब हम राइस मिल में अपना धान तुलवाते थे और यहाँ पोर्टल में अपना नाम लिखवा देते थे। अब भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर पोर्टल बंद कर दिया है। अब ये मेरे पास 5 पर्चियाँ हैं, ये 100 से 150 कुंटल धान पिछले 10 से 15 दिन से तुला हुआ है। आज 15 दिन हो चुके हैं जब हम इस पर्ची को लेकर सोसाइटी में आते हैं, तो सोसाइटी के आला अधिकारी कहते हैं सुबह आना, शाम आना, कल आना, परसों आना। जब कल मैं एकत्र होकर गया तो उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री, जो उत्तराखंड के अहंकारी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये पोर्टल बंद करा दिया है। अब ये जो 150 कुंटल धान है और इसकी अब कोई कीमत नहीं रह गई है, ये अब बेकार हो चुका है। ये आप कितने किसान ऐसे हैं जो राइस मिल में तो अपना धान तुलवा चुके हैं, पर यहाँ पर आते हैं कि हमारे धान का हमारा भुगतान करो। यहाँ पर धान के भुगतान के बगैर ये अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आप जेती है 400-500-1000 कुंटल धान है जो तुल चुका है। तुलने के बाद जब भुगतान का नंबर आया तो यहाँ के अधिकारी हैं, सचिव हैं, वो कह रहे हैं कि प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा पोर्टल को बंद कर दिया गया है, अब आपके धान का भुगतान नहीं होगा। इस तरह का विरोध है, क्या मांग है? मांग ये है कि वो तत्काल जो पोर्टल बंद करवाया है उस पोर्टल को खुलवा के इन किसानों का जो भुगतान है तत्काल इनका भुगतान कर दिया जाए। देखिए, पूरा का पूरा कांग्रेस परिवार, पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व, पूरा प्रदेश नेतृत्व और पूरा जिले और शहर के जितने पदाधिकारी हैं कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। इस देश के, प्रदेश के, नगर के और ब्लॉकों के सारे लोग कांग्रेस के साथ और किसानों के साथ खड़े हुए हैं। किसानों को जिस प्रकार से उनका धान बिकने के उपरांत भी आज उनकी पेमेंट नहीं की जा रही है, ये एक बहुत दुर्भाग्य का विषय है। मैं मीडिया के माध्यम से और आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उनकी पेमेंट, जिस धान की पेमेंट और गेहूँ की पेमेंट से किसान अपना घर चलाता है, किसान मरना जीना करता है, किसान शादी ब्याह करता है, उन सबकी पेमेंटों को यदि राज्य सरकार अपने खाते में रखेगी और उनके खातों में हस्तांतरित नहीं करेगी तो इससे बड़ा दुर्भाग्य का विषय और कोई नहीं होगा। आज हम सब लोगों का मुख्य बिंदु और पूरे का पूरा क्षेत्र का किसान आप देख रहे हैं आज बैठा हुआ है और दर दर से अपनी फसल बेचने के उपरांत अपनी पेमेंटों को लेने के लिए इन सोसाइटियों में धक्के खा रहा है और राज्य सरकार ने पोर्टल बंद कर दिया है। ये दुर्भाग्य का विषय है जिसके लिए आज हम सब लोग बैठे हुए हैं। ये मांग कर रहे हैं राज्य सरकार से, सीएम साहब से, कि तुरंत इस पोर्टल को खोले, किसानों की जो पेमेंट मिलों पर धान उनकी फसल बिकी है उसकी पेमेंट, उसकी फसल उनको हस्तांतरित करें। आप देख रहे हैं ये पर्ची है जो मिलों से आई हुई है 1.5-1.5 महीने की, लेकिन सोसाइटी में जब किसान आता है तो यहाँ के अधिकारी कहते हैं हमारे पास उनकी आपकी पेमेंटों को
खतौनियों में चढ़ाने के लिए कोई आदेश नहीं है, हम आपकी किसी प्रकार से कोई पेमेंट नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है बिना राजनीति के ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे किसानों के मुद्दे हैं, एक परिवार के मुद्दे, और एक किसान एक हमारा अन्नदाता है, उसके मुद्दे यदि आप और हम किसी भी विवाद में पढ़कर नहीं करते हैं तो एक गलत मुद्दा होगा। किसानों का परिवार एक अन्नदाता का परिवार है, आपके और हमारे परिवार भी किसानों की मेहनत से चलते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनकी पेमेंट तुरंत उनके अकाउंटों में हस्तांतरित होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। विधायक चीमा जी जो खुद किसान अपने आप को कहते थे और आज वो अपने घर पर सोए हुए हैं और किसानों के साथ एक दिन भी विधायक चीमा किसानों के साथ खड़े नहीं हुए, इसका जवाब आने वाले समय में किसान भी, काशीपुर की जनता भी और कांग्रेस की एक एक परिवार व इस काशीपुर की महान जनता आने वाले 2022 के चुनाव में उनको वोटों के रूप में अति आवश्यक रूप से देगी और मुंह तोड़ जवाब देगी।